इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो हमारा है, ग्राफिक्स का जो सेकंड है हम लोग करेंगे, वो चैप्टर होगा लाइंस। लाइंस डिफरेंट डिफरेंट लाइंस हैं जो हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर यूज़ होती हैं। हर लाइन का एक अपना खुद का एक पर्पज़ होता है। जैसे कंटिन्यूस थिक लाइन है, कंटिन्यूस थिन लाइन है, कंटिन्यूस थिन फ्री हैंड लाइन है, कंटिन्यूस थिन जिगजैग है, डैश डिक थिक है, डैश थिन है, चेन थिन लाइन है जिसको सेंटर लाइन भी बोल देते हैं। उसके अलावा डैश थिन है जिसको हिडन लाइन, हिडन आउटलाइंस के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद डिटॉट लाइन भी इसको बोलते हैं, डैश थिक लाइन हिडन आउटलाइंस को, इसको भी यूज़ किया जाता है। उसके बाद चेन थिन थिक एंड जिसको कटिंग प्लेन्स के लिए यूज़ किया जाता है। चेन थिक है सरफेस ऑफ इंडिकेशन ऑफ लाइंस और सरफेस टू विच स्पेशल रिक्वायरमेंट। चेन थिन डबल डैश जिसका आउटलाइन फॉर या मूवेबल पार्ट्स के लिए इसको यूज़ किया जाता है, उसकी पोजीशन के लिए। कंटिन्यूस अगर थिक लाइन की बात करें तो विजिबल आउटलाइंस के लिए, विजिबल एजिस के लिए इसको यूज़ करते हैं। कंटिन्यूस थिस लाइन अगर हम बात करें, जैसे डायमेंशनल लाइन्स भी इसको बोलते हैं, लेटर लाइन्स भी इसको बोलते हैं, हैचिंग लाइन्स भी इसको बोलते हैं, तो के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो इनकी जो थिकनेस अगर हम बात करें, जैसे ये एमएम्स के अंदर हैं सारी, जैसे 0.5 mm अगर हम थिक की बात करें, अगर हम थिन की बात करें तो 0.2 mm होती है, और कंटिन्यूस थिन फ्री हैंड की बात करें तो वो भी 0.2 mm होती है। और अगर हम लोग बात करें डी टाइप, वो भी 0.2 mm थिन है। थिक अगर डैश की बात करें तो 0.3 होती है, डैश थिन अगर है तो वो 0.2 है, चेन थिन है वो 0.2 होती है, और चेन थिन थिक एट एंड्स मतलब यहाँ पर थिक होती है, सेंटर में यहाँ पर एंड्स होती है। ये कटिंग प्लेन्स को, जैसे कि मान लीजिए कोई बॉक्स है, अगर आप लोगों ने इसको कट करके काट बीच में से कट करके शो करना है तो इस तरह की जगह पे इसको कटिंग प्लेन्स के लिए इस तरह की लाइंस को यूज़ किया जाता है। और ये जैसे 0.5 mm है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ लाइंस हैं इनके, अपने अपने खुद खुद के इनके जो पर्पज़ होते हैं। जैसे टाइप ऑफ लाइंस के अंदर अगर हम बात करें कि आउटर बॉर्डर लाइन है, जैसे चलो आपको एक वीडियो दिखाते हैं, क्योंकि बार बार गला खराब होने से मैं कंटिन्यू बोल नहीं पा रहा हूँ। तो नौका पैर में थोड़ा हम इसको थोड़ा सा ठीक बनाएंगे नॉर्मल लाइन से। और ये देखिए, ये हम इसको हम कब बनाते हैं, इसको विजिबल लाइन भी बोलते हैं ये, क्योंकि हम तो चलिए देखते हैं, इसलिए क्योंकि देखते हैं टाइप्स ऑफ लाइंस और उसके एप्लीकेशंस। पहली लाइन है कंटिन्यूअस थिक लाइन, वो यूज होती है एज अ विजिबल आउटलाइन किसी भी ऑब्जेक्ट की बाउंड्री बताने में। जैसे कि सर्कल है, तो सर्कल की बाउंड्री बताने में मैं कंटिन्यूअस थिक लाइन का यूज करूंगा। सेकंड है कंटिन्यूअस थिन लाइन, कंटिन्यूअस थिक लाइन यूज होती है अगर डायमेंशन लाइन, लीडर लाइन, हैचिंग एंड एक्सटेंशन लाइन। जैसे कि इस ये सर्कल का रेडियस है, मुझे इसका डायमेंशन बताना है तो मैं यूज करूंगा कंटिन्यूअस थिन लाइन। या फिर जब सेक्शनल ऑर्थोग्राफी में हम यूज करते हैं हैचिंग लाइन, वहां पे भी हम कंटिन्यूअस थिन लाइन का यूज करते हैं। थर्ड है कंटिन्यूअस थिन वेवी लाइन, ये यूज होती है किसी कोई भी इररेगुलर बाउंड्री बताने में, जैसे कि कोई कर्व है या फिर कोई भी फ्री एंड डिजाइन जैसा टाइप कोई भी शेप बन रहा है, तो हम वहाँ पे कंटिन्यूअस थिन वेवी लाइन यूज करते हैं। फोर्थ है शॉर्ट डैश मीडियम लाइन। शॉर्ट डैश मीडियम लाइन होता है दिखाने के लिए हिडन आउटलाइन एंड एजेस। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हिडन है, या फिर मशीन में जैसे बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो कोई पार्ट हिडन है किसी एक फर्स्ट पार्ट के पीछे, तो हम वहाँ पे यूज करते हैं ये शॉर्ट डैश मीडियम लाइन। फिर फिफ्थ है लॉन्ग चैन थिन लाइन। लॉन्ग चैन थिन लाइन यूज होता है एज अ सेंटर लाइन, जैसे सर्कल का सेंटर है तो मैं आप इसको बताने के लिए मैं लॉन्ग चैन थिन लाइन का यूज करूंगा। एज अ लोकस लाइन, लोकस लाइन यूज होता है, या कोई मूवेबल पार्ट है मशीन का तो हमें वो बताने में लॉन्ग चैन थिन लाइन का यूज करते हैं। सिक्स है लॉन्ग चैन थिक एट एंड्स एंड थिन एल्सवेयर। ये लाइन का यूज होता है कोई भी कटिंग प्लेन लाइन बताने में, जैसे कि इस प्लेन को यहाँ से कट करना है तो हमें ये बताने के लिए ये लाइन यूज करते हैं, लॉन्ग चैन थिक एट एंड्स एंड थिन एल्सवेयर। सेवेंथ है लॉन्ग चैन थिक लाइन, ये यूज होता है किसी भी सर्फेस को एडिशनल ट्रीटमेंट देना है, हमें अगर ये बताना है तो हम इसको यूज कर। और लास्ट लाइन है रोल लाइन एंड शॉर्ट जिगजैग लाइन। ये लाइन यूज होती है एज अ लॉन्ग ब्रेक लाइन। तो फ्रेंड्स, हमने लाइन के टाइप्स को देख लिया है और उसके एप्लीकेशंस को भी। आइए इस फिगर से हम अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कि फिगर में हम देख सकते हैं, फिगर में जो आउटर लाइन है वो एग्जांपल है कंटिन्यूअस थिक लाइन का।
जो डायमेंशन लाइन, सेक्शन लाइन, हिडन लाइन और एक्सटेंशन लाइन है वो एग्जाम्पल है कंटिन्यूस थिन लाइन का। हिडन लाइन जो हिडन पार्ट्स को बताता है वो एग्जाम्पल है शॉर्ट डैश। हिडन, हिडन का मतलब क्या है कि जैसे कि मान लीजिए ये पाइप है, अपने पास कोई पाइप है, पाइप के अंदर कोई एक होल है, ठीक है, तो उस होल के अंदर हम लोगों को विजिबल नहीं है, अगर हम सामने से उसको देख रहे हैं, मतलब उसका साइड व्यू देख रहे हैं, तो लेकिन हम लोगों को ये शो करना है कि इसके अंदर एक स्पेस है, तो इस तरह की डॉटेड लाइन को हिडन लाइन बोलते हैं। तो ये शो करने के लिए, जैसे कि ये है सेंटर को शो करने के लिए, ठीक है, लेटर लाइन है जो इस तरह इन लाइन को जो फ्री हैंड जो डार्क कलर की है, जो कंटिन्यूस थिक लाइन है, ये कंटिन्यूस थिन, ये थिन लाइन है, तो अलग अलग लाइंस का अपना अपना अलग अलग एक पर्पज़ होता है, उसकी डार्कनेस, उसकी मोटेपन, सॉरी उसकी थिकनेस के हिसाब से वो अपने आप को अपना अपना कुछ ना कुछ अपने बारे में बताती हैं, और ऑब्जेक्ट के बारे में, और ऑब्जेक्ट की बाउंड्री लेयर के बारे में, ऑब्जेक्ट के पार्ट के बारे में वह एक्सप्लेन करती है। टेस्ट मीडियम लाइन का सेंटर लाइन वो एग्जांपल है लॉन्ग चेन थिन लाइन का। कटिंग प्लेन लाइन वो एग्जांपल है लॉन्ग चेन थिक एट एंड्स एंड थिन एल्सवेयर लाइन का। तो फ्रेंड्स, अब आपको समझ में आ गया होगा कि लाइन के यूजेस क्या है। आप इन सभी लाइन के यूजेस फिर से देखेंगे ऑर्थोग्राफी और आइसोमेट्री चैप्टर में। और ये नेक्स्ट फिगर आपके लिए है। आप एरो को देखिए, वो किस लाइन पे पॉइंट कर रहा है और वो लाइन कौन सी है। अगर आप लोगों को नहीं समझ में कुछ थोड़ा बताया है तो टाइप ऑफ लाइन है इसके अंदर, आप लोगों को टाइप ऑफ लाइंस का मैं एक और उसके अंदर बताता हूँ, दिखाता हूँ। ये होता है इम्पोर्टेंट नोट, जो मशीन का पार्ट्स ही बना रहे हैं तो उसका जो क्लियर लाइन होता है, यानी जो सामने से फ्रंट व्यू या टॉप व्यू से जो दिखाई देती है, उसका आउटलाइन करते समय हमेशा हम ऑब्जेक्ट लाइन यानी 0.5 mm के लाइन का प्रयोग करते हैं। उसके अलावा डायमेंशन लाइन और क्या कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट लाइन या आउटलाइन को कंटिन्यूअस थिक लाइन कह सकते हैं और प्रिंसिपल लाइन कह सकते हैं। इसका यूजेज क्या है, विजुअल आउटलाइन, यानी हम फ्रंट व्यू या टॉप व्यू से किसी भी मान लीजिए ड्राइंग को क्लासिफिकेशन के अगली कड़ी में अगला हमारा जो लाइन है वो है डायमेंशन, यानी इसकी जो थिकनेस है ये ऑब्जेक्ट लाइन से पतली होती है और इसके दोनों साइड में यहाँ पर एरो बने होते हैं। और एक बात और, एरो का जो रेशियो होता है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक एरो बनाया, इसको हम इस तरह मान लीजिए एरो बनाएंगे, 3:1 होता है, यानी 3:1। यानी इसके कहने का मतलब इसकी जो कह सकते हैं तो डायमेंशन लाइन में इसका हम यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 30 mm हो गया। इसे अगला लाइन हमारा है हिडन लाइन एंड डिटो लाइन का 0.2 होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ जो डॉटेड डॉटेड है, यहाँ पर डॉटेड डॉटेड का जो लेंथ होता है यहाँ से 2-3 mm हो सकता है, और इसके बीच का जो गैप होता है वह कितना होगा, 1 mm होगा, यानी जो दो डॉटेड के बीच में जो गैप होगा वो 1 mm होगा, और डॉटेड का जो लेंथ होगा 2-3 mm हो सकता है। और यहाँ पर क्या होता है डिट्टो लाइन में, डिट्टो लाइन में यानी जोड़ा बनता है, यहाँ पर डॉटेड रहेगा, यहाँ पर डॉटेड, इसके बीच में थोड़ा सा ज़्यादा दूरी रहेगा, फिर से दो डॉटेड के बाद फिर से ज़्यादा दूरी रहेगा, यही दो। तो भाई ये कुछ एक डॉटेड लाइन के अंदर बेसिकली होता क्या है कि अगर हमें किसी भी स्क्वायर के अंदर अगर कोई हिडन ऑब्जेक्ट लाइन और डॉटेड लाइन में डिफरेंस होता है, इसको हम डैश लाइन भी कहते हैं, और इसका हम प्रयोग कहाँ करते हैं, हिडन आउटलाइन को दिखाने के लिए। जैसे मान लीजिए यदि हम कोई यहाँ पर सिलेंडर बना रहे हैं, यहाँ पर हमने कोई सिलेंडर बनाया, इसमें यदि यह हॉलो है तो यहाँ पर जब हम फ्रंट व्यू से देखेंगे तो इसका जब हम आकृति बनाएंगे तो मान लीजिए इस तरह से आकृति कुछ बनेगा, और अंदर का जो हॉलो नहीं दिखा दे रहा, इसको हम क्या दिखाएंगे, हिडन लाइन से दिखाएंगे, और नहीं सॉरी इसको हम डिट्टो लाइन से दिखाएंगे। और यदि वही रेक्टेंगुलर होता या क्या होते हैं
वर्गाकार होता तो उसमें जो हिडन लाइन होगा जो नहीं दिखाई देगा उसको अंदर से दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग हिडन लाइन का यूज करेंगे। तो ये सर्कुलर में हिडन, तो ये कुछ चीजें हैं जैसे कि मान लीजिए हम लोग ये एक हमारी जिग जैग लाइन है, चार मान लीजिए कोई हमारी कोई ऑब्जेक्ट है वो लेंथ पे है काफ़ी, लेकिन हमें इसके अंदर इसको शो करना है कंटिन्यूस के लिए, तो यहाँ पर ये जिग जैग है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो इसकी लेंथ है इसके अंदर ये काफ़ी लेंथ में है, तो इसको शो करने के लिए हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको जिग जैग में यूज़ कर लिया। जैसे कंटिन्यूस थिन लाइन हो गई है, कंटिन्यूस लाइन्स आर यूज टू मेन मैनी एप्लीकेशन, फ्यू एप्लीकेशन जैसे इसके अंदर इन्होंने शायद दिया भी होगा, टचिंग लाइन्स हो गई है, उसके अलावा फिगर फोर के लिए, फिगर टू, फिगर फोर जैसे सेक्शन है, सेक्शन थिन थिन फ्री हेडलाइंस है, कंटिन्यूस थिन स्ट्रेट लाइन है, जिग जैग के लिए हमारे मान लीजिए कोई सेक्शन इरेगुलर शेप में कोई हमें पता है कोई भी ऑब्जेक्ट है जब टूटता है तो लाइन सीधी लाइन में नहीं करता, क्रैक आता है, तो उसको शो करने के लिए हमें क्या आता है कंटिन्यूस थिन लाइन की, फ्री हैंड लाइन की जरूरत पड़ती है। अगर हमें सेक्शन दिखाना है कि ये पार्ट है काफ़ी लेंथी लेंथ में है, या जैसे कि मान लीजिए कोई बॉक्स है, ये बॉक्स है जैसे मुझे इतना ही बनाया है मैंने और उसके बाद मैं शो करना चाहता हूँ ये है आगे, तो मैं क्या करूँगा इस तरह लाइन्स को शो बना दूँगा यहाँ पे, तो इससे ये पता चलेगा कि ये नीचे भी इसका पार्ट इसके अंदर है। तो इस तरह की जो लाइंस हैं, लाइंस अपने लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और जो बंदा इंजीनियरिंग ड्राइंग को जानता है वो लाइंस आइडिया लगा सकता है कि सामने वाले बंदे ने ड्राइंग है वो जो बनाई है वो किस पर्पज़ के लिए बनाई है और उसका क्या मेन पर्पज़ है, वो क्या कहना चाह रहा है अपनी ड्राइंग के अंदर बिना उसको पूछे हुए वो, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी, आगे नेक्स्ट जो हम लोग करेंगे डायमेंशनिंग जो आपका नेक्स्ट टॉपिक के अंदर रहेगा उसके अंदर हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।